देख सकते हो हमारी जो लाइट है बिल्कुल आराम से काम कर रही है। जो मोटर है वो बड़ी स्पीड से घूम रहा है केवल और केवल वायरलेस इस माध्यम के जरिए। तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम जिसके जरिए पावर को वायरलेस तरीके से ट्रांसफर किया जा सके। जी हाँ गाइस, बिल्कुल वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम, ये तो आपने सुना ही होगा। जैसे निकोला टेस्ला ने निर्माण किया था टेस्ला कॉइल का, और उस टेस्ला कॉइल की मदद से उन्होंने 1 किलोमीटर के लगभग उस दायरे में पावर को ट्रांसफर किया था। लेकिन इस दुनिया में निकोला टेस्ला के उस सिस्टम का यूज छोटे छोटे डिवाइस जैसे मोबाइल चार्जर के रूप में या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के रूप में हो रहा है, और आज हम उसी तरीके से वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम बनाएंगे। लेकिन उसके अंदर हम ना तो कॉइल का यूज लेंगे और ना ही किसी और चीज का, बल्कि हम यूज लेने वाले हैं इस सोलर पैनल का यूज, और साथ में यहाँ पर है हमारी हेडलाइट, और इनकी मदद से ही ये वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम होगा। और हम फटाफट से शुरू करते हैं, इनके कनेक्शन करते हैं, ये किस प्रकार से काम करने वाला है। और गाइस, यदि ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हम फटाफट से शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद में। तो गाइस, हमने हेडलाइट को तो सेट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी हेडलाइट है, और इसके यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चार्जर के साथ डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। और साथ में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सोलर पैनल हम रात में यूज लेने वाले हैं, क्योंकि रात में होता है अंधेरा और अंधेरे में कोई भी प्रकाश नहीं होता, जिसकी वजह से ये सोलर पैनल काम नहीं कर पाता, और हम यहाँ इस बल्ब की मदद से पावर को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस सोलर पैनल को यूज लेने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो बड़ा वाला सोलर पैनल है वो बिल्कुल क्रैक है, और इस प्रोजेक्ट के लिए हमें बिल्कुल 100% एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल काम में लेना है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हो रही है शाम, और हमें सोलर पैनल को चेक करने के लिए जरूरत है रात की। तो रात तो अभी हुई नहीं है, तो हम फटाफट से करते हैं रात। तो गाइस, रात हो चुकी है, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो सोलर पैनल है इसके अंदर यहाँ पर आउटपुट जो निकल रहा है वो बिल्कुल 0 वोल्ट निकल रहा है। तो मैं आपको मीटर से चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल 0 वोल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि रात में सोलर पैनल बिल्कुल काम नहीं करता है। तो गाइस, हम अपनी हेडलाइट को ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारा जो वायरलेस पावर ट्रांसमीटर है वो किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो अपनी हेडलाइट है वो चालू हो चुकी है, और यहाँ पर हमारा जो सोलर पैनल है यहाँ पर इसका काम ये हो रहा है, ये पावर को रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी ये छोटी लाइट है इसको चेक करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारी जो लाइट है वो इस माध्यम के जरिए बिल्कुल आराम से काम कर रही है। गाइस, ये तो हुई अपनी ये लाइट की बात जो इसके अंदर काम कर रही है, जो भी एकदम वायरलेस तरीके से, इसमें कोई भी तार का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अब इसकी जगह हम काम करने वाले हैं अपने इस मोटर को, कम से कम 3 वोल्ट से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट पर काम करती है। तो इसको मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ, और हमने यहाँ पे टेप भी लगाई हुई है जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये घूम रहा है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मोटर है वो बड़ी स्पीड से घूम रहा है केवल और केवल वायरलेस इस माध्यम के जरिए। अगर मैं यहाँ पर छाया करता हूँ तो यहाँ से पावर सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है या एक तरह से ख़त्म ही हो जाती है। ये तो हुई यहाँ पर एकदम थोड़ी पास की दूरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी ही दूरी है, तो ये लगभग 1 मीटर की दूरी है। इस दूरी को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या ज़्यादा दूरी पर भी अपना मीटर काम करता है। तो गाइस, हमने इसकी दूरी बढ़ा दी है, और ये लगभग 10 मीटर से लेके 15 मीटर की दूरी पर स्थापित है लाइट को। जैसे ही मैंने यहाँ पर जोड़ा तो अपनी लाइट बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो मोटर भी बिल्कुल रोटेट नहीं कर रही है। जो दूरी है वो ज़्यादा ही ले ली है,
क्योंकि इससे क्या है, वो जो अपनी लाइट है उसका फोकस अच्छे से नहीं बन पा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन जब ये पास में थी तो उस समय क्या था, इसका पूरा फोकस एक जगह पर था, जिससे कि क्या जितनी भी एनर्जी थी उसको ये रिसीव कर रहा था। तो गाइस हम इस प्रकार से पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस तरीके से हम जो पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें 60-70% हम यूज़ ले पाएंगे, लेकिन जो 30-40% बचा हुआ है वो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन उसका हम यूज़ नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा ही फोकस में बिखर जाएगा। और इस प्रकार के सिस्टमों पर विदेशों में, अपने इंडिया में बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वाली वीडियो में नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।